Hello friends, my name is Nikhil Sareen. Welcome to our channel, The Edu Preparators. With the help of this video, we will going to discuss some of the important days of November-December month under our current affairs recap. Coming on to first one, World Tsunami Day. We are celebrating World Tsunami Day on 5th of November. That can be an important as per our examination point of view. Second, the National Cancer Awareness Day. So we can say that National Cancer Awareness Day, we are celebrating on which date? Okay, we can say that 7th of November. World Town Planning Day is celebrated on 11th of November. National Education Day. National Education Day, we are celebrating on our 11th of November. किसकी याद में? On the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad. Maulana Abdul Kalam Azad की birth anniversary की याद में हम लोग National Education Day celebrate करते हैं. कब? 11th of November को. Now, coming on to next one, that is World Pneumonia Day. World Pneumonia Day को हम लोग celebrate करते हैं awareness के रूप में. कब? कौन सी date है? 12th of नवंबर. हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डेज को ही कवर कर रहे हैं जो हमें लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. कमिंग ऑन टू 14th ऑफ नवंबर. 14th ऑफ नवंबर हम लोग सब जानते हैं चिल्ड्रंस डे के नाम से बहुत मशहूर है, तो वी ऑल नो. एज वेल एज यू कैन से वर्ल्ड डायबिटीज डे को हम लोग 14th नवंबर को ही सेलिब्रेट करते हैं. कमिंग ऑन टू 15th नवंबर. रिसेंटली इसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15th ऑफ नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया गया है. अब से हम लोग हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें जो कि बेसिकली भगवान बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाएगा. बिरसा मुंडा एक ट्राइबल कम्युनिटी के एक किस्म से एंजल थे, जिनको एंजल माना गया है, हीरो माना गया है, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई स्टार्ट की थी. तो व्हाट वी कैन से 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस. कमिंग ऑन टू 16th ऑफ नवंबर. 16th ऑफ नवंबर को हम लोग नेशनल प्रेस डे के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं. कमिंग ऑन टू अनदर वन, 17th नवंबर. 17th नवंबर को हम लोग वर्ल्ड फिलोसफी डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. एंड हु इज द फादर ऑफ फिलोसफी? सैक्रोसेंट ऑफ एथेंस को हम लोग फादर ऑफ फिलोसफी के नाम से भी हम लोग जानते हैं. 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, इंपॉर्टेंट वन. वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 19th ऑफ नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. वर्ल्ड फिशरी डे. वर्ल्ड फिशरी डे हम लोग कब सेलिब्रेट कर रहे हैं? 21st ऑफ नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 26th नवंबर. 26th नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. ये हम लोग अमूल के फाउंडर और वी कैन से फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, जिनको हम लोग विर्गिस कुरेन के नाम से जानते हैं, इनकी याद में हम करते हैं. तो कई क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं. 26 नवंबर मींस नेशनल मिल्क डे. किसकी याद में? आपके विर्गिस कुरेन की याद में, जो कि अमूल के फाउंडर भी थे, एज वेल एज इनको हम लोग फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन मींस मिल्क प्रोडक्शन. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, 26 नवंबर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था. उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. 26 नवंबर को हमारा कानून बन के रेडी हो गया था, बट वो इनेक्ट कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 से इनेक्ट हुआ, लागू हुआ. तो 26 नवंबर को हम लोग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. 27th नवंबर को हम लोग नेशनल ऑर्गन डोनर डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि हमें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहिए, सो डेट हम लोग बाकी बाकी लोगों की लाइफ को भी हम लोग बचा पाए.
coming on to the month of December, तो we can say 1st December को हम लोग World AIDS Day के नाम से celebrate कर रहे हैं. 1st December को हम लोग नागालैंड स्टेटहुड भी हमारी बनी थी. We say that जब हमारी 1962 में इंडिया और चाइना की वॉर हुई, तो इंडिया और चाइना की वॉर के बाद जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ काफी प्रेशर बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना की वॉर के बाद सबसे पहले जो स्टेट बनाई वो थी नॉर्थ ईस्ट में, वो थी आपकी नागालैंड, जो कि कब बनी, 1st दिसंबर 1963 में चाइना की बनी. 1st दिसंबर को हम लोग BSF रेजिंग डे नाम से भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. हमारे बॉर्डर्स की जो सिक्योरिटी है वो BSF के कंट्रोल में रहती है. BSF हमेशा हमारे बॉर्डर्स को कंट्रोल करती है. जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो उसमें BSF पहले कहीं ना कहीं देखती है, उसके बाद हमारी आर्मी कहीं ना कहीं फ्रंट पे आती है. बट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉर्डर विद पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश. कमिंग ऑन टू 4th of December, 4th of December को हम लोग इंडियन नेवी डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. 6th December, 6th December को हम लोग मैत्री दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. और क्वेश्चन पूछा जाएगा मैत्री दिवस इंडिया किसके साथ सेलिब्रेट करता है, तो हम क्या बोलेंगे, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती बढ़ाने के लिए हमने मैत्री दिवस स्टार्ट किया था. 8th December हम लोग SAARC फाउंडेशन डे के नाम से भी जानते हैं. What is the full form of SAARC? SAARC की फुल फॉर्म क्या है आपकी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. ये SAARC जो ग्रुप है बेसिकली साउथ एशियन कंट्रीज ने एक रीजनल ग्रुप बनाया जिसके अंदर हमारी इंडिया, पाकिस्तान, आपका नेपाल, हमारा भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव आपके फाउंडिंग मेंबर थे, जो कि 8 दिसंबर 1985 में बना. एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपका ढाका बांग्लादेश में हेडक्वार्टर है. एंड 2007 में लास्ट 8th मेंबर, दैट इज यू कैन से अफगानिस्तान, ऐड हुआ SAARC मेंबर ग्रुप के अंदर. कमिंग ऑन टू 9th December, 9 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं. कमिंग ऑन टू 10th of December, 10th of December को हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं. 16th December, इंपॉर्टेंट वन, विजय दिवस. 16th December 1971 को इंडिया ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट दिलवाई आपकी वेस्ट पाकिस्तान से. इट मींस ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे, वो ईस्ट पाकिस्तान आपका बांग्लादेश में कन्वर्ट हो गया था इंडिया की हेल्प से. तो ये कब हुआ आपका, 16 दिसंबर को, जिसको हम विजय दिवस के नाम से मनाते हैं. इसीलिए हम लोग 6th of December को हम लोग मैत्री दिवस के नाम से मिला रहे, क्योंकि 6th of December को वॉर स्टार्ट हुई एंड 16th of December को वॉर वो खत्म हो गई थी. 18 दिसंबर को हम लोग माइनॉरिटी राइट डेज के नाम से भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. 18 दिसंबर मींस माइनॉरिटी राइट डेज. कमिंग ऑन टू 24th of December, 24th ऑफ दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर राइट डे के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसकी एक टैगलाइन क्या है, जागो ग्राहक जागो. 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, एज वेल एज इसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी आता है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.